उत्तराधिकार ने मंगलवार को 25 एमी नामांकन प्राप्त किए, लेकिन स्क्विड गेम प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा श्रृंखला है। दक्षिण कोरिया में स्थित स्क्विड गेम को सितंबर में सर्वश्रेष्ठ नाटक और 13 अन्य एमी के लिए नामांकित किया गया था। उत्तराधिकार ने 2020 में सर्वश्रेष्ठ नाटक सहित 8 एमी जीते। बेटर कॉल शाउल, यूफोरिया, ओजाक, सेवरेंस, स्क्विड गेम, स्ट्रेंजर थिंग्स, सक्सेशन और येलो जैकेट ड्रामा के उम्मीदवार हैं। एबॉट एलिमेंट्री, बैरी, कर्ब योर उत्साह, हेक्स, द मार्वेलस मिसेज मैसल, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग, टेड लासो और व्हाट वी डू इन द शैडो नामांकित हैं। राहेल ब्रोसनाहन, द मार्वेलस मिसेज मैसल, क्विंटा ब्रूनसन, एबर्ट प्राथमिक, केली कुओको, द फ्लाइट अटेंडेंट, एले फैनिंग, द ग्रेट, इस्सा राय, असुरक्षित, जीन स्मार्ट, हेक्स, डोनाल्ड ग्लोवर, अटलांटा, बिल हेदर, बैरी, निकोलस होल्ट, द ग्रेट, जेसन सुदेकिस, टेड लासो, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग, जेसन बेटमैन, ओजाक, ब्रान कॉक्स, उत्तराधिकार, ली जंग जे, स्क्विड गेम, बॉब ओडेनकिक, बेटर कॉल शाउल, एडम स्कॉट, सेवरेंस, जेरेमी मजबूत, उत्तराधिकार, जोडी कॉमर, किलिंग ईव, लॉरा लिनी, ओजाक, मेलानी लिंस्की, येलो जैकेट, सैंड्रा ओह, किलिंग ईव, रीज विदरस्पून, द मॉर्निंग शो, जेंडिया, यूफोरिया, दो पैसे, ड्रॉप आउट, अन्ना का आविष्कार, सफेद कमल, पाम और टॉमी, ट्रेवर नूह के साथ द डेली शो, जिमी किमेल लाइव, लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर, लेट नाइट विद सेठ मेयर्स और द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट नामांकित हैं। टेलीविजन अकादमी के अध्यक्ष फ्रैंक शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जो महामारी के बाद श्रृंखला निर्माण में वृद्धि को दर्शाता है। स्ट्रीमिंग सेवाओं ने शक्ति संतुलन और शायद एमीज को बदल दिया है। स्क्विड गेम का एमी नामांकन स्ट्रीमिंग के विश्वव्यापी फोकस को दर्शाता है। द क्राउन, जिसने 2021 के ड्रामा पुरस्कार जीते, समय पर नहीं दिखाया गया और इस वर्ष योग्य नहीं है।